सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर उनसे सीख लेते हैं। उसके बाद जानेंगे हाथ धोने का सही तरीका के बारे में। फिर एक मजेदार कार्यक्रम देखेंगे जिसका नाम है तुम कितने बड़े हो गए हो। उसके बाद जानेंगे कुछ और अच्छी बातें माइंड योर मैनर्स और अप्रिशिएटिंग अदर्स के माध्यम से। फिर जानेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा और मनोरंजन से भरा शनिवार का ये एपिसोड। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया
उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो ये था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त से उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। अब हम देखते हैं हाथ धोने का सही तरीका। हाथ धोने से पहले हाथों में अगर घड़ी, अंगूठी या चूड़ियां पहनी हो तो उन्हें उतार दीजिए। नल खोलकर दोनों हाथों को कोहनियों तक गीले कर लीजिए। साबुन हाथों में लेकर उसका बहुत सारा झाग होने तक उसे मलिए। झाग को पूरे हाथों में अच्छी तरह से मलिए। उंगलियों के बीच के स्थान पर साबुन लगाकर इस तरह से रगड़ लें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में फंसाकर रगड़िए। नाखूनों को इस प्रकार मलकर साफ कीजिए। अंगूठों को इस प्रकार से गोल घुमाकर मलिए। हथेली को उंगलियों से इस तरह रगड़ लीजिए। अब पानी से हाथ धोकर साफ कीजिए। नल को बंद करने के लिए धुले हाथों का प्रयोग ना करें, बल्कि उसी कोहनियों की सहायता से बंद करें। अब साफ नैपकिन से हाथों को पोंछकर सुखा दीजिए। अब हम देखते हैं हाथ धोने का दूसरा तरीका। यदि किसी जगह नल का पानी उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। हाथों को कोहनियों तक भिगो लीजिए। साबुन को पूरे हाथों में लगाकर टिकिया धोकर रख दीजिए।
झाग को पूरे हाथों में अच्छी तरह से मलिए। उंगलियों के बीच वाले स्थान को इस प्रकार रगड़ लीजिए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह एक दूसरे में फंसाकर रगड़िए। नाखूनों को इस प्रकार से साफ करें। अंगूठों को इस प्रकार से गोल घुमाकर मलिए। अब हाथों पर पानी डलवाकर उन्हें धो दीजिए। फिर साफ तौलिए से हाथों को पोंछकर सुखा दीजिए। डॉक्टरों का कहना है कि इन्फेक्शन ज्यादातर हाथ ठीक से ना धोने की वजह से ही फैलते हैं। ढंग से हाथ धोने से इन्फेक्शन होने से हम बच सकते हैं। इसीलिए हाथ धोने की गतिविधि की सारी खूबियां याद रखना बहुत जरूरी है। आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। चिड़िया अपने बच्चों को खिला रही है, लेकिन चिड़िया बच्चों को क्यों खिला रही है? मैं तो खुद ही खाता हूँ। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इनकी माँ ही इन्हें खिलाती है। कुछ साल पहले तुम भी इन्हीं की तरह छोटे बच्चे थे। चीनू बच्चा? मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन जब हम नन्हे बच्चे थे तब माँ और दादी ने हमारी देखभाल की और बड़ा किया। दादी से ही पूछ लो। दादी, मीनू कहती है जब मैं छोटा था मैं अपने आप नहीं खा पाता था। हाँ बेटा, तब तुम एक नन्हे बच्चे थे, तुम तो खुद खा भी नहीं सकते थे, तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाती थी, तुम चल भी नहीं पाते थे और तो और तुम्हें नहलाना भी पड़ता था। दादी, शीला का एक छोटा भाई है, क्या चीनू भी उतना ही छोटा था? हाँ बेटी, लेकिन अब चीनू बड़ा हो गया है। हाँ, अब मैं एक बड़ा लड़का हूँ, मैं भाग और खेल सकता हूँ, मैं अपने आप खा सकता हूँ और अपने आप नहा भी सकता हूँ। हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और कई साल तक ऐसे ही बढ़ते रहोगे। तो क्या मैं पिताजी जितना बड़ा हो जाऊंगा? अगर तुम ढेर सारी सब्जियाँ और फल खाओगे। और मीनू का क्या होगा? क्या वह भी माँ जितनी बड़ी हो जाएगी? हाँ, मीनू भी बड़ी होकर तुम्हारी माँ जैसी हो जाएगी। लेकिन पिताजी माँ से लंबे क्यों हैं? बेटा, हम सब अलग अलग हैं। तुम्हारे पिताजी लंबे हैं, अभी तुम छोटे हो, एक दिन तुम भी बड़े होकर अपने पिताजी की तरह लंबे हो जाओगे। तुम्हारी माँ पतली है, लेकिन मैं तो मोटी हूँ। आप जैसे भी हो, हम आपको बहुत प्यार करती हैं। हाँ बेटा,
मैं भी तुम्हें और मीनू को बहुत प्यार करती हूँ। चीनू, क्या तुम्हें पता है ये चूजे भी एक दिन बड़े होकर मुर्गे मुर्गिया बन जाएंगे। राजा इधर आओ, तुम भी बड़े हो जाओगे। मैं भी बढ़कर बड़ा हो जाऊंगा। तुम्हारा बड़ा मुंह होगा बस, और तुम करोगे बस। दादी, क्या ये पौधे भी बढ़ेंगे? हाँ, ये भी बढ़कर बड़े पेड़ बन जाएंगे। दादी, जब मैं माँ जितनी बड़ी हो जाऊंगी, क्या तब मेरा बढ़ना रुक जाएगा? नहीं बेटा, तुम तब तक बढ़ती रहोगी जब तक मेरे जैसी नहीं हो जाती। मैं बड़ी होकर आपके जैसी ही होना चाहती हूँ। क्या हुआ दादी? दोस्तों, दादी, पिताजी, माँ, चीनू और मैं सब अलग हैं, लेकिन हम सब एक परिवार हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे विद्यालय के दोस्त भी अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भले भी अलग हो। सही कहा, मैं और राजा भी अलग हैं। राजा पीला है और मैं काला। राजा कुत्ता है और मैं मधुमक्खी। लेकिन फिर भी चीनू मीनू हमें प्यार करते हैं। तुम बहुत ही प्यारे हो बस। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। प्रश्न और उत्तर। क्या हम सभी बढ़ते हैं? हाँ। क्या पौधे भी बढ़ते हैं? हाँ। क्या पशु भी बढ़ते हैं? हाँ। कुछ जानवरों के बच्चे खो गए हैं। बच्चे ढूंढने में उनकी मदद करो। बकरी, मेमना, कुत्ता, बिल्ला, मुर्गी, बिल्ला।
choosing. बिल्ली बिल्ली का बच्चा गाय बछड़ा बकरी मेमना कुत्ता पिल्ला मुर्गी चूजें बिल्ली बिल्ली का बच्चा गाय बछड़ा फिर मिलेंगे दोस्तों। अरे आप सब भी बड़े हो रहे हो।
Hello there, Bouncy here. Now we will learn about the three golden terms, thank you, sorry, and please, to enrich relationships. Let us listen to the rhyme. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. When I do something bad, something bad, something bad, and I'm angry or so sad, I say I'm sorry. When I do something bad, something bad, something bad, and I'm angry or so sad, I say I'm sorry. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. When you want something today, something today, something today, make sure you ask a nice way. Always say please. When you want something today, something today, something today, make sure you ask a nice way. Always say please. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. When someone does something sweet, something sweet, something sweet, show them that you think that's neat. Always say thanks. When someone does something sweet, something sweet, something sweet, show them that you think that's neat. Always say thanks. Manners are really great, really great, really great. Manners are really great. Mind your manners. Hello from Bouncy. Let us explore how important it is to appreciate others for work well done. I'm going to tell you a story about a teacher called Maya who always remembers to appreciate others and make them feel good. She also remembers to always say thank you. Before that, let us pause for a minute and reflect. When did somebody last appreciate you? What did they tell you? How did it make you feel? Shall we now go meet Maya? We will see how she always remembers to say good work and thank you. Maya teaches English to students like you. All her students love her. Do you know why? She is a very nice and friendly teacher. She loves her students. She likes it when they do their best. She always remembers to tell them good work. So the students also love showing her their work. Here you see one of Maya's students, Ria, reciting a poem in class. Everyone loved it. They are showing it by clapping for her. Look at Ria. She feels so happy that people liked her poem. A quick question for you. If your little brother or sister sang a nursery rhyme to you, would you say good work or
would you laugh and make fun of them? Which would make them feel nice? The children love that Maya always tells them thank you, even when they do the smallest things for her. You have seen Maya at school. Let us now see her at her favorite place, her home. Is she also this nice at home? Let us find out. Maya is talking to her maid, Lakshmi. Lakshmi works in Maya's house and helps her with household cleaning and other work. She also helps her cook food. Without her, Maya finds it very difficult to complete all the work at home. Lakshmi even remembers to bring coffee for Maya when she is busy with her work. Maya doesn't forget to thank her. Looks like Lakshmi is leaving after a day's work. She looks happy. Maya also seems to be telling her something. What do you think Maya told Lakshmi at the end of the day that made her smile? Choose from the following options. A. Thank you, Lakshmi. You did such good work today. B. Go home, Lakshmi. I am very unhappy with you. C. Sorry, Lakshmi. You did not help me at all today. Well, Maya always remembers to thank Lakshmi for her help and tells her, good work. Like Lakshmi, Maya's maid, there are other people too who help us in many ways every day. It is important to appreciate and say thank you to our friends, family members, teachers, neighbors, and all the people who help us in little ways every day. How many people did you thank today? Remember, when you appreciate others and thank them, you bring a smile to their faces and make them happy. First aid box. घायल होने या अचानक बीमार पड़ने पर आपातकालीन उपचार करना पड़ता है। डॉक्टरी इलाज से पहले किए जाने वाले इस उपचार को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सभी चीजें एक जगह पर मौजूद होती हैं। इस बक्से के ऊपर एक धन या क्रॉस का निशान बना होता है। इन चीजों को हम तीन समूहों में बांट सकते हैं। एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक पदार्थ, ये क्रीम, पाउडर या द्रव के रूप में होते हैं। इनका इस्तेमाल जख्म साफ करने के लिए किया जाता है। अलग अलग प्रकार की पट्टियां, गॉज रोल, एडहेसिव टेप, क्रेप बैंडेज, इन्हें जख्म पर चिपकाने या उस पर बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सहायक औजार, दस्ताने यानी ग्लव्स, कैंची यानी सिजर, चिमटी यानी फोर्सेप। चलो देखते हैं कि घरों और स्कूलों के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी बोतल पर H2O2 लिखा होता है, जो इसका रासायनिक नाम है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटॉल, ये एक एंटीसेप्टिक द्रव है। डेटॉल का उपयोग घावों में संक्रमण या इन्फेक्शन रोकने के लिए किया जाता है। आयोडीन टिंक्चर या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यह भी एक एंटीसेप्टिक द्रव है। यह डेटॉल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन पाउडर, ये भी एक एंटीसेप्टिक है, मगर ये पाउडर होता है। यह छोटी मोटी खरोंचों और कटे के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। पोविडोन आयोडीन मरहम, ये एक एंटीसेप्टिक है। इसे सीधे घाव पर लगाया जाता है और फिर गॉज पीस से ढककर मरहम पट्टी कर दी जाती है। बर्नॉल, बर्नॉल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल यानी जीवाणुरोधक है और यह पेस्ट या मरहम के रूप में आता है। यह छोटे मोटे जलने, छिलने और कटने के उपचार में काम आता है। क्रेप बैंडेज,
ये कपड़े की लंबी पट्टी का बंडल होता है। एड़ी या कलाई में मोच आने पर इसे सूजन कम करने के लिए बांधा जाता है। कसकर बांधने से यह रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से बांधा जाता है। गौज रोल, जख्म को ढकने के लिए या मरहम पट्टी को खिसकने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पतली या छोटी पट्टियों में काटा जाता है और उनके अंदर एंटीसेप्टिक लगाकर जख्म पर मरहम पट्टी की जाती है। एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है। इसका इस्तेमाल जख्म को मरहम पट्टी करते वक्त किया जाता है। यह किस सामग्री से बना है और इसका क्या इस्तेमाल होना है, इसके अनुसार अलग अलग तरह के एडहेसिव टेप आते हैं। कॉटन रोल, जख्म पर मरहम पट्टी करने में कॉटन यानी रुई बहुत जरूरी होती है। कॉटन के गोले पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगाकर उसे जख्म पर रख दिया जाता है। कॉटन द्रवों को सोख लेती है, यह खून या स्त्राव पोंछने के काम भी आती है। बैंडेड, बैंडेड एक प्रकार की चिपकने वाली पट्टी होती है जो छोटे मोटे घावों के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। इस पट्टी का मध्य भाग रोगाणुरोधक सामग्री से बना होता है। मध्य भाग के दोनों ओर की पट्टी इसे शरीर पर चिपकाने के काम आती है। कैंची, गौज रोल एडहेसिव टेप को काटने के लिए। फोर्सेप, जख्म से चिपकी हुई लकड़ी के कण या नुकीले टुकड़े निकालने के लिए और गेज व कॉटन को पकड़ने के लिए फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लव्स, दूसरों को फर्स्ट एड देते वक्त संक्रमण से खुद का बचाव करना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो देखते हैं कि इन सभी को फर्स्ट एड बॉक्स में व्यवस्थित तरीके से कैसे रखते हैं। क्रेप बैंडेज, डेटॉल, आयोडीन टिंक्चर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बर्नॉल, पोविडोन आयोडीन मरहम, एडहेसिव टेप, बैंडेड, कॉटन रोल, गेज रोल, पोविडोन आयोडीन पाउडर, माइक्रोपोर एडहेसिव टेप, कैंची यानी सिजर, फोर्सेप, ग्लव्स। तो अब हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स के साथ बिल्कुल तैयार हैं। ध्यान रहे कि फर्स्ट एड बॉक्स की सभी चीजें आप इस्तेमाल करें या ना करें, एक निश्चित समय के बाद उन्हें बदलना जरूरी है। क्या आप पता कर सकते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए? किसके लिए है होम क्वारंटाइन? होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में COVID-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार न हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो COVID-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर भी संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में दरवाजा बंद करके रहें। यदि अलग कमरा संभव न हो तो घर के दूसरे सदस्यों से, खास करके बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, बिस्तर तो बिल्कुल शेयर न करें। यदि संभव हो तो अलग शौचालय का प्रयोग करें। यदि संभव नहीं तो हर शौच के बाद शौचालय को अच्छी तरह साफ करें। हर समय मास्क लगाए रखें। 6 से 8 घंटों के अंदर नया मास्क बदल लें। साबुन, पानी या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ को धोएं। अपनी घरेलू चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया आदि घर के अन्य सदस्यों से साझा न करें। कमरे, टेबल एवं अन्य फर्नीचर की नियमित फिनाइल मिले पानी से सफाई करें। कोई भी लक्षण, बुखार,
खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर 104 पर संपर्क करें एवं मेडिकल सहायता मिलने तक घर पर अलग थलग यानी क्वारंटाइन रहें। और सबसे बड़ी बात, घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन लापरवाह न रहें। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लकड़बग्घा यानी हायना के एनक्लोजर के पास चलेंगे। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये भारत के जंगलों में भी मिलते हैं। लकड़बग्घा ज्यादातर परिजीवी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो होनिंडे परिवार के सदस्य हैं। शक्तिशाली जबड़ा, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा मारे गए जीव को खाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार और जख्मी छोटे जानवर का शिकार भी कर लेते हैं। लकड़बग्घों के आगे के दो पैर पीछे के दोनों पैरों से बड़े होते हैं, जिसका असर इनके चाल पर भी पड़ता है। इनको चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है मानो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। सामान्य तौर पर लकड़बग्घा के शरीर के बालों का रंग भूरा होता है। धारीदार लकड़बग्घा के हल्के काले रंग की धारियां भी होती हैं और धब्बेदार लकड़बग्घा के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। ये प्रायः समूह में रहना पसंद करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 से 3 वर्षों में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है और करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर लकड़बग्घे का वजन 26 से 41 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा लकड़बग्घे का वजन 26 से 34 किलोग्राम का होता है। एक स्वस्थ लकड़बग्घे का जीवन काल 20 से 25 सालों की होती है और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। हायना मूल रूप से पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार के जंगलों में मिलते हैं, खास करके विशेष जहाँ मनुष्यों की आबादी है उस जगह पे ये अधिक भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। प्रायः ये सड़क पे जंगल के किनारे पाए जाते हैं। हायना जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 3 का प्राणी है, जिसे इसे लोअर रिस्क पे रखा गया है। रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। साप्ताहिक इनकी केजों की सफाई होती है, मोट सफाई होती है, घास की कटाई होती है। जाड़े के ऋतु में इन्हें हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी के मौसम में कूलर और पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि इनके मौसम के हिसाब से यहाँ पे ये रह सके। लकड़बग्घे की एक विशेष खासियत होती है कि ये जो ये बोलते हैं तो इनका बोलने का जो आवाज़ होता है लगता है कि कोई लकड़ी पे आरी चला रहा है। भेड़िया कैनिडाए पशु परिवार का सबसे बड़ा वन जीव है। ये मुख्यतः अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों में मिलते हैं। भेड़िये बेहद सामाजिक जानवर होते हैं। ये समूह में ही रहते हैं और समूह में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। सामान्यतः एक पैक यानी समूह में 8 से 9 भेड़िये होते हैं, लेकिन किसी किसी पैक में 20 से 30 भेड़िये भी हो सकते हैं। इनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत होती है और नियम बेहद कड़े होते हैं। हर समूह में एक अल्फा नर और मादा होती है जो समूह का नेतृत्व करते हैं। भेड़िया के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनमें 42 दांत मांस को काटने चीरने के साथ ही हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करती है।
इनमें गजब की सहन शक्ति और चलने की क्षमता होती है। कभी कभी ये भोजन की तलाश में अपने घर से कई कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ये सामान्यतः 8 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे दिन चल सकते हैं, लेकिन शिकार मिलने पर ये काफी तेज और फुर्तीले हो जाते हैं। ये सामान्यतः 100 से 130 सेंटीमीटर लंबा और 60 से 95 सेंटीमीटर ऊंचा होते हैं। इनकी औसत उम्र 13 से 15 सालों की होती है। ये 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और इनका प्रजनन काल लगभग 2 महीनों का होता है। एक बार मादा भेड़िया 4 से 7 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चों को पप्स भी कहा जाता है। भेड़ियों की नजर बहुत तेज होती है और उनके सूंघने की ताकत भी गजब की होती है। ये कैनेडी फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, अर्थात ये कुत्ते के फैमिली से संबंधित है। और इनका जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है। वुल्फ जो हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इंडिया में सभी तरह के फॉरेस्ट में है। और पटना जू में इनकी संख्या 5 है, जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। लास्ट ईयर 1 मेल और 1 फीमेल को वनलूर जू से लाया गया था। अपने से बड़े जानवर को भी, कई गुना बड़े जानवर को भी झुंड में रहने के कारण मारने में सफल होते हैं। काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। इनका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड किया गया है। पटना जू में इनको मेनली हम लोग बीफ खाने के लिए देते हैं, जो लगभग 2.5 से 3 केजी तक एक जानवर बीफ को खाना पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद भेड़िया और लकड़बग्घा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर जाते हैं और इन्हें आश्चर्य की नजरों से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूं बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।